अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कोई सैड मूवमेंट ना आवे, आप चाहे तो आपकी जिंदगी में कोई डिप्रेशन का मूवमेंट ना आवे, आप चाहे तो कि आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस लाइफ ना होवे, स्ट्रेस मूवमेंट ना होवे, आज की कथा हमारी भगवान कृष्ण की सुन करके जाना, हमारे ठाकुर से सीख करके जाना। हमारे कन्हैया पूरी भागवत में सिर्फ मुस्कुराना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं बोलो ना? हमारे ठाकुर जी सिर्फ मुस्कुराना सिखाते हैं। ठाकुर जी का अवतार कहां हुआ बोलो ना? कहां हुआ? मथुरा में। भगवान ने जब अवतार लिया तब भी भगवान मुस्कुराए, लेकिन अवतार मथुरा में हुआ, बधैया कहां कभी बोलो? गोकुल में। तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए, लेकिन फिर भी गोकुल भी नहीं टिके वो, कुछ दिनों बाद वृंदावन आ गए, तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। अब वृंदावन में भी ज्यादा दिन नहीं टुके, 11 साल तक मात्र वृंदावन में रहे और फिर वृंदावन छोड़कर के मथुरा आ गए, तब भी हमारे ठाकुर जी यशोदा मैया से दूर हुए, तब भी ठाकुर जी गोपियों से दूर हुए, तब भी ठाकुर जी गोप ग्वालों से दूर हुए, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। अब वृंदावन में आए तो युद्ध हुआ, 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, तब भी हमारे ठाकुर जी सांदीपनी आश्रम में पढ़ने गए, तब भी हमारे ठाकुर जी सुदामा से मित्रता की, तब भी हमारे ठाकुर जी द्वारका के राजा बने, तब भी हमारे ठाकुर जी और महाराज 16,108 विवाह किए, तब भी ठाकुर जी, और यहां तक कि अपने ही परिवार को आपस में लड़वा करके अपनी ही आंखों के सामने पूरे परिवार का विनाश किया, तब भी हमारे ठाकुर जी। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कहना चाहते परिस्थितियां कोई भी हो, व्यक्ति को मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए, वही उत्कृष्ट व्यक्ति है, वही कौन है। अगर आप मुस्कुराती हुई जिंदगी को जीना चाहते हो ना, तो परमात्मा से प्रेम बिना शर्त के करो। प्रेम में कोई शर्त नहीं है। 99% लोग भगवान की भक्ति शर्त लगा करके करते हैं। सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनकी कोई शर्त नहीं होती, वरना 99% लोग भगवान की भक्ति भी करते शर्त लगा करके, मैं 12वीं में पास हो जाऊं तो हनुमान चालीसा पढ़ूंगा नक्कटा, ऐसा हो जाए तो हनुमान जी को भजूंगा, ऐसा हो जाए तो हनुमान जी को मानूंगा, तभी मैं बागेश्वर धाम जाऊंगा, हमारा ऐसा कर दें तभी बागेश्वर धाम को भजेंगे, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे। सावधान, भगवान से बिना शर्त के जुड़ जाओ। अगर तुम बिना शर्त के जुड़ नहीं पा रहे तो अभी भी मौका है, मुड़ जाओ।